नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति। रही नजर आते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। इलाहाबाद में बाहुबली अतीक अहमद पर दो और मामले दर्ज। अहमदाबाद जेल में बंद है बाहुबली अतीक ने लाइसेंस निरस्त होने पर नहीं जमा किए असलहे। असलहे न जमा करने पर दर्ज की गई। चार साल में कई बार दी गई नोटिस की अनदेखी और नोटिस के बाद भी शस्त्र जमा न करने पर खुल्दाबाद थाने में अतीक पर दर्ज हुई FIR। देखिए प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। शस्त्र लाइसेंस जो निरस्त हुए थे उन पर उसको जमा न करने के बारे में और अपने पास रख रहे ना तो कहीं दुकान पे जमा है और ना ही उसको कहीं थाने स्तर पे पेश किया गया है, तो जिसके चलते थाना खुल्दाबाद में ये अभियोग पंजीकृत हुए हैं। और ये कोई भी व्यक्ति अगर उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त हो गया है और रखता है उसको अपने पास, तो माना जाएगा कि अवैध असलाह उसके पास है, उसी धारा में इसका अभियोग पंजीकृत हुआ है। प्रयागराज महोदय के द्वारा इसमें इसका निरस्तीकरण किया जा चुका है। चूँकि जिस व्यक्ति के ऊपर अभियोग पंजीकृत हो जाता है वो शस्त्र अपने आप निरस्त कर दिए जाते हैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। वाराणसी के कपसेठी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भरहरिया में हरिजन बस्ती के गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान का खुलकर किया विरोध। नहीं हो रहा कोई विकास कार्य और ना ही कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना ही आने जाने का रास्ता है और ना ही शौचालय। बहु बेटियां काफी परेशानियों का सामना कर रही हैं। ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध किया है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान हो। इसमें शामिल हैं जिया लाल, श्यामा देवी, माया देवी, शीला देवी, ममता देवी, संगीता देवी, सुरिता, निशा, जड़वती व अन्य लोग। वाराणसी से हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। हाँ बताइए, आपका नाम क्या है? ममता। गांव कौन सा ये? थाना कौन सा है? आपका समस्या क्या है बताइए? समस्या ये रोड नहीं बा। उसे काम? और शौचालय नहीं बा। अच्छा, आपके प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे हैं? हमने के तो एकदम नहीं दिए हैं। आपके प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? कपसेठी। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? आप बताइए। आपका नाम क्या है? संगीता। जात कौन सा आपका? चमार। क्या समस्या आपकी बताइए? यही समस्या है कि यहाँ पे रोड नहीं बा और ये संडास नहीं दे रहे हैं एक थी। और ये नल के समस्या है, आवास कुछ भी नहीं मिला है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो फैलाए हैं हम लोग को भी मिले, कुछ नहीं है तो कम से कम आवास दें, संडास बनवाए, हम लोग की भी तो सुविधा करें। आपके प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे हैं? करते तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, हम लोग भी बदल जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ बोलना है आप बताइए। बताइए आपका नाम क्या है, क्या समस्या आपके बताइए? समस्या का मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं मानता पढ़ रहा था, आवास नहीं बात हुआ है। आप दे हमें, आप बताइए भैया। हाँ, हमारा नाम जिया लाल है। हाँ, जाति चमार है। हाँ बताइए। थाना कब से थी? क्या समस्या भैया आपकी? हमारे पास समस्या सब चीज का है, हमारे पास ना ढंग का राशन कार्ड है और ना तो हमारे पास में आवास दे रहे हैं हम लोगों को, ना तो हमारे पास लैट्रिन है, ना तो हम लोगों के लिए बहु बेटियां अगर शादी ब्याह में अगर उतरती है तो 1 किलोमीटर उतार करके तो हम पैदल लेके आए, गाड़ी घोड़ा आने लायक रास्ता नहीं हम लोगों को है। बरसात में वो हाल हो जाता है कि हम लोग रोड पे नहीं जा पाते, लड़के बच्चे लेके अगर दिख हो जाए, बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती दरवाजे हम लोगों के। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं अगर हम इस चीज़ के लाभार्थी हैं तो हमें लाभ दिया जाए, अगर नहीं है तो इस दुनिया से हटाया भी जाए। ठीक है भैया, हम तो मंत्री जी से इतना भी कहना चाहते हैं, मंत्री जी अगर हम लोग उस लायक हैं, उसके पात्र हैं तो हमें दें। सूरत के सूरत रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस को लेकर लोग और प्रशासन में दिखी सुस्ती। बता दें कि भारत और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर सभी चिंतित हैं, वहीं भारत में भी कोरोना के बढ़ते आंकड़े को लेकर सभी चिंतित हैं। वहीं सूरत रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से प्लेटफॉर्म टिकट ₹10 बढ़ाकर 50 किया गया है और पब्लिक के साथ भीड़ में रहते रेलवे कर्मचारियों व RPF के जवान के पास नहीं दिखा मास्क व सैनिटाइजर, जिसको लेकर हमने बात की सूरत रेलवे स्टेशन अधीक्षक
सीआर गरुड़ा से। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश पर ही हम लोग चल रहे हैं, हम जल्द से जल्द अपने सभी कर्मचारी को सैनिटाइजर व मास्क मुहैया कराएंगे और कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। सूरत से हमारे संवाददाता सुरेश कुमार यादव की रिपोर्ट। सर ये बताइए, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भीड़ भाड़ को देखते हुए कोरोना वायरस को लेकर 29 मार्च तक सारा बंद किया है, तो आपके स्टाफ लोग क्या करना चाहेंगे? देखिए, रेलवे स्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ बहुत सारी पब्लिक आती है। फिलहाल हम लोगों ने भी कोशिश की, रेलवे ने, प्रशासन ने भी कोशिश की है कि भीड़ कम से कम हो। तो रिसेंटली कुछ प्लेटफॉर्म टिकट्स में लोगों को डिस्करेज करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म टिकट्स के रेट जो 10 रुपये था उसको टेम्परेरीली 50 रुपये किया गया है। और स्टेशन पर भी हम लोग जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसको पूरा हम सैनिटाइज कर रहे हैं, हम लोग 100% उसको सैनिटाइज करने की हम लोग लगे हैं उसमें। सर ये अभी हमने देखा रेलवे जो अपने रेलवे कर्मचारी हैं वो बगैर मास्क और सैनिटाइजर्स के ऐसे ही सर्विस दे रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, फिलहाल एक हेल्थ एडवाइजरी इश्यू हुई थी कि मास्क उन्हीं लोगों को पहनना है जो लोग इन्फेक्टेड हैं या जिनको कोई खांसी या इस तरह का समस्या है। फिर भी हमारे जो सफाई कर्मचारी उनको हमने 100% कहा है कि आप मास्क रखिए, मास्क को पहन रहे हैं। लेकिन बाकी जो हमारे ड्यूटी में स्टाफ है, जो लोग डायरेक्ट पब्लिक के टच में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोग मास्क की व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने उनके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की है कि हम लोगों ने मेन फोकस रहा कि हैंड सैनिटाइजेशन वो लोग रखें ताकि ये चीज़ जो उसको कोरोना को फैलने से बचाया जा सके। चीज़ में देखिए, फिलहाल हम लोगों ने यहाँ सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मदद से एक मेडिकल टीम, हमारे यहाँ दो मेडिकल टीम यहाँ बैठ रही है, जो पर्टिकुलरली जो लोग मुंबई वगैरह से जो अब्रॉड से जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ पर्टिकुलर गाड़ियाँ हैं जिनमें वो लोग आते हैं मुंबई से सूरत के लिए, तो उन पर्टिकुलर गाड़ियों को हम लोग जो एक हॉट गन से उन लोगों को उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, जैसा कि केंद्र सरकार ने और सब स्टेट गवर्नमेंट्स ने एडवाइजरी जारी की है, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए लोग जितना आवश्यक हो उतना ही घर से बाहर निकलें। और जो नॉर्मली हम लोग सब लोग कहते हैं कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो मेन है कि अब आप अपने आप को अगर सुरक्षित रखते हैं जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कोई बीमारी जो है केवल एक दूसरे के संपर्क में आने से होती है, तो अधिक से अधिक हमें एक दूसरे को मतलब अपने आप को सैनिटाइज रखें, बार बार हाथ धोएं, और जो जो हेल्थ एडवाइजरी इश्यू हो रही है कर्मचारी या जो जनता उसको फॉलोअप करें, तो हम इस कोरोना वायरस की जो महामारी से आसानी से लड़ पाएंगे। बरेली में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और एसपी देहात डॉक्टर संसार सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब गांजा चरस के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सीओ मीरगंज जगमोहन सिंह बटोला और एसओ फतेहगंज पश्चिमी चंद्र किरण के नेतृत्व में एक ट्रक को चेक किया तो उसमें 700 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई जिसकी कीमत 63 लाख है। एक व्यक्ति शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर बताया कि पटियाला से बनारस ले जा रहा था और वहां से बिहार जाना था जिस पर छत्तीसगढ़ मार्का लगा हुआ था। ये शराब की पेटियां चूने के कट्टे से ढकी थी। पुलिस टीम में दरोगा रामवीर सिंह, संजय सिंह, आबकारी निरीक्षक शैलेश कुमार, विनय कुमार, निमेश, पंकज चौधरी, शुभम राठी, संत लाल, सुरेश कुमार, अभय प्रसून आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। 700 पेटी शराब पकड़ी गई है, किस तरीके से ये तस्करी का नेटवर्क चल रहा था और किस तरीके से आपने इसका नेक्सस को तोड़ा? थाना फतेहगंज पश्चिमी की टीम ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य करते हुए मुखबिर की सूचना पे एक 10 टायरा ट्रक पकड़ा और उसमें 700 पेटी पंजाब निर्मित शराब पकड़ी गई है जिसका कंसाइनमेंट संभवतः बिहार जा रहा था, क्योंकि ड्राइवर से जो पूछताछ हुई है उसमें उसको ये बताया गया था कि तुम बनारस तक गाड़ी ले जाओगे और वहाँ से कोई और इसको गाड़ी को टेक ओवर करने वाला था। संबंधित प्रकरण में जो पूरी बरामदगी हुई है, साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने
ये कंसाइनमेंट वहाँ दिया था, उसके नाम भी प्रकाश में आ गए हैं, जल्दी हम उसे गिरफ्तार करेंगे। कुछ और इनपुट इससे मिले हैं जिस पर पुलिस टीम कार्य कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आगे इस तरह की और बरामदगी और गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित कराई जाएगी। कितने लाख रुपए आती जा रही है इसकी? इसका जो मार्केट वैल्यू होता वो अराउंड 63 लाख रुपीज़ जो है, 63 लाख रुपए इसका मार्केट वैल्यू रहता है। बरेली एनई रेलवे मजदूर यूनियन का वार्षिक अधिवेशन अध्यक्ष बसंत लाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें बी एन सिंह, कामरान अहमद, मुकेश सक्सेना आदि के साथ रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि रनिंग स्टाफ बड़ी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करता है, उसके ड्यूटी के घंटे 8 घंटे से ज्यादा न लिया जाए और कोरोना के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बंद की जानी चाहिए और बेज अनलेस खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रनिंग स्टाफ के हितों की रक्षा के लिए नरमो सदैव तैयार है और हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है, मैं एनी रेलवे मजदूरियन का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया रेलवे में एक्सपेडिशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। जी, ये हमारे रनिंग शाखा हमारी यहाँ बरेली सिटी में है और वो पूरे आजाद नगर डिवीजन में जितनी भी रनिंग कर्मचारी हैं उनकी सामेकित ये हमारी रनिंग शाखा है, जिसमें से काशीपुर, लालकुआ, पीलीभीत, काठ गोदाम, आपके फरुखाबाद, कासगंज, मथुरा, सीपीए, कानपुर अनवरगंज, इन तमाम जगहों से हमारे रनिंग कर्मचारी आज यहाँ पधारे हुए हैं और वो सिर्फ इस बात के लिए कि जो आज परिस्थितियाँ धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। रेलवे का निजीकरण एक हम लोगों के लिए चैलेंज है और उस पर भी हम लोगों ने आज विस्तृत चर्चा की। दूसरा ये कि जो रनिंग कर्मचारियों के लिए जो पहले गाड़ियाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थीं, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती थी, आज वो 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन उनके ड्यूटी आवर्स नहीं चेंज हुए हैं, जबकि उनका रनिंग जो आपका आपके जो ट्रेनों के स्पीड है वो बदल गए। तो आज आप समझ सकते हैं कि अगर 160 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चल रही होगी तो एक मिनट में वो कई किलोमीटर गाड़ी चलती है और उस हिसाब से उसकी अलर्टनेस और विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक ड्राइवर किस परिस्थितियों में गाड़ी चला रहा है। और जबकि वो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में हर मतलब आप समझिए कि एक एक फरलांग पर एक आपका जो है लेवल क्रॉसिंग मिलेगा, चाहे अनमैंड लेवल क्रॉसिंग हो चाहे मैंड लेवल क्रॉसिंग हो। ऐसी परिस्थितियों में जो ड्राइवर हैं उनके ड्यूटी आवर्स कम होने चाहिए, ये हम लोगों की एयरअप की मांग है। उस पर एक कमेटी भी बनाई गई ड्यूटी आवर्स कम करने के लिए, काफ़ी इस पर मंथन भी हुआ, लेकिन अभी तक वो साइन ऑन आप तक उसका 10 आवर्स ड्यूटी आवर्स है। हमारा ये कहना है कि कम से कम उनका साइन ऑन से साइन ऑफ तक उनके जो है मैक्सिमम 10 आवर्स होना चाहिए और 8 घंटे नॉर्मल ड्यूटी उनकी होनी चाहिए, ये हम लोगों की पहली मांग है इसमें इनकी। दूसरा बात कि इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी और बढ़ाई जाए रनिंग कर्मचारियों की, जो जिससे कि इनको स्ट्रेस फ्री ड्यूटी कर सकें, ये इनके ऊपर तनाव रहित ड्यूटी कर सकें, ये हम लोगों की प्रमुख मांग है। एक हमारा उद्देश्य आज को इस मीटिंग को बुलाने का एक और था कि सबसे ज़्यादा रनिंग कर्मचारी जो हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं आज के जो कोरोना वायरस विश्व की ये जो महामारी फैली हुई है। तो हमने डॉक्टर साहब, डॉक्टर चौहान हैं हमारे CMS के माध्यम से, डॉक्टर चौहान यहाँ आए थे, जिन्होंने कोरोना के संबंध में किस तरह से उसका हम लोग बचाव करें, कैसे किन परिस्थितियों में कैसे रहें और किस तरह से हम उस महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी मांग हमारी अभी महाप्रबंधक से है और मंडल प्रबंधक से भी है कि अभी भी सब जगह पूरे भारतवर्ष में हर जगह आपका बायोमेट्रिक खत्म हो गया, ब्रीथ एनालाइजर खत्म हो गया, लेकिन आजाद नगर डिवीजन में अभी भी ब्रीथ एनालाइजर यहाँ चल रहा है। एक ही ब्रीथ एनालाइजर से सारे कर्मचारी उसमें फूंक करके अल्कोहल की मात्रा तय कर अपने जो है पता करते हैं और वो यहाँ आज भी बायोमेट्रिक का यह यहाँ पर थम लगाया जा रहा है, जिससे कि कभी भी कोई इफेक्टेड हो सकता है। आज मैं DRM से जरूर निश्चित, हमने एक पत्र भी DRM को लिखा हुआ है और आज हम मंडल प्रबंधक महोदय से मिलकर के इस संबंध में निश्चित तौर पर कोई ना कोई निर्णय कराने का प्रयास करूँगा
जिससे कि ये हमारे जो रनिंग कर्मचारी हैं वो सुरक्षित हो सके। ये थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।